60 से 70 साल पुराना मंदिर है, यहाँ पर सबका आशा जुड़ा हुआ है ना। लेकिन ये मंदिर जहाँ पेड़ की वजह से थोड़ा सा फैल रहा था, वो थोड़ा सा दो टुकड़ा में बढ़ गया था। वो मंदिर को बस हम लोग सिर्फ ऊंचा बस करवा रहे सर, है ना। लेकिन निगम वाले बिना परमिशन दिए, बिना नोटिस दिए, बस आए और तुरंत चढ़ाई कर दिए, है ना सर। सबका यहाँ पर आशा जुड़ा, सब बच्चे लोग सबका हम लोग चंदा करके यहाँ पर बना रहे सर। बहुत सालों से पुराना मंदिर है ये, है ना। लेकिन निगम वाले यहाँ पर मतलब अपना ज़्यादा अति कर रहे हैं यहाँ पर, है ना, ऐसा है सर। ये अपने वार्ड पार्षद को जानकारी दी है? वार्ड पार्षद को भी जानकारी दी है सर। यहाँ पर सब मतलब जितने भी जो बड़े जो ऑफिसर है सब देख रहे हैं, लेकिन ये काम पूरा होने के कगार पे ही ये सबका मतलब आँख खुले हैं। यहाँ पर वार्ड पार्षद को भी देख रहे, उनको भी जानकारी दी है। जबकि वार्ड पार्षद का मेन काम होता है कि निगम में अप्लाई करे, है ना। लेकिन ये सर डायरेक्ट बिना नोटिस दिए यहाँ पर आ गए। भैया यहाँ पे सब लोग पूजा वूजा करने के लिए आते हैं, और ये मंदिर बहुत पुराना मंदिर है। और यहाँ पे जो मंदिर है वो छोटा सा था, तो पेड़ की वजह से यानी उसका जड़ जो फैल गया था तो टूट रहा था मंदिर, तो उसी को सब सहयोग करके बना रहे थे मंदिर को। तो फिर कहीं से निगम वाले को पता चला होगा, कोई कंप्लेन किया होगा, तो उन लोग तोड़ने के लिए आ गए थे, अचानक ही तोड़ने के लिए आ गए थे। और निगम यानी कि नोटिस वगैरह जो देते हैं वो कोई कुछ नहीं दिए। मंदिर 40 साल पुराना है, पहले से क्या ये बजरंग बली का मंदिर है, तो पीपल का झाड़ लगा हुआ है उसमें, क्या पीपल का झाड़ को जड़ है ना जो फैल रहा है, वो फैलने की वजह से मंदिर तो टुकड़ा हो रहा है। उसके लिए हम सब सहयोग करके पारे मोहल्ले कहीं भी दान दूसरे दे दुआ के उसको बनाने की कर इसको कर रहे हैं हम लोग। इसमें क्या नगर निगम वाले बीच में आके ये सब तोड़ने की प्रयास कर रहे हैं, इसमें सबका सहयोग है, किसी एक का पैसा नहीं लगे, इसमें सबका पैसा लगा हुआ है। और मंदिर में और आने जाने बाहर आने सब आने की पूजा पाठ सब करते हैं यहाँ पे, बस ये मंदिर अच्छे से अच्छा बन जा करके सबका सहयोग का राशि दे रहे हैं तभी बन रहा है। निगम के अधिकारी नए हैं, क्योंकि उनको जानकारी ऐसी दी गई कि कोई अवैध निर्माण है, तो वहाँ पे कुछ नहीं था। उनको मैंने जानकारी दी कि यहाँ पे बहुत पुराना मंदिर है और लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई है, क्योंकि वहाँ पर पशु पक्षी लोग वहाँ पर प्रसाद को खाते हैं, गंदगी होती है, तो धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचती है। और थोड़ा सा उनको ठीक करने के लिए रिपेयरिंग का काम करके उसको देने का प्रयास किया है, तो वो कोई अवैध निर्माण नहीं है और न ही कोई नया निर्माण है, ये धार्मिक भावनाएं जुड़ी हुई है। मंदिर बहुत पुराना था, बहुत पुराना है, और वहाँ पर मैंने बताया उनको कि आपको जिसने भी जानकारी दी है वो भ्रामक जानकारी है, और मंदिर के पीछे दिख भी रहा है कि पुराना मंदिर है, सामने आधा अभी टूटा है, पीछे कुछ भाग बचे हुए हैं। तो इस प्रकार से जो जानकारी है तो उनको मैंने नॉलेज में डाली, इस प्रकार की बातें हैं और इसको यहाँ पर नहीं करना चाहिए, कोई भी चीज़ को यहाँ पर हटाना नहीं चाहिए और यथास्थिति रहन देना चाहिए, क्योंकि लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं और हमको किसी भी धर्म का हो सबका सम्मान करना चाहिए, यही बातें की है।